मोस होम किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोस होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन जूस। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने यहाँ पे वाटरमेलन ले लिए हैं और जो चाहिए वो है लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर एंड कुछ मिंट लीव्स। सबसे पहले हम वाटरमेलन को कट कर लेंगे इस तरह से, फिर हम इसका स्लाइस कर लेंगे। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए हमने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। अब इसका पल्प निकाल लेंगे। गर्मी का मौसम है तो वाटरमेलन जूस बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए हमने इस तरह से सारे पल्प निकाल लेंगे। पहले इस तरह से कट कर लेंगे, छोटे टुकड़े कर लेंगे, फिर पल्प निकाल लेंगे। इसका जो सीड्स है वो भी निकाल लेंगे जितना हो सके, और जो बाकी रह जाएगा वो हम बाद में छान भी लेंगे। एक मिक्सिंग जार ले लिए हैं और उसमें हम डाल देंगे वाटरमेलन स्लाइस किया हुआ। इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है बहुत सारा। कुछ मिंट लीव्स दे दिए हैं, थोड़ा सा शुगर ऐड कर देंगे। अगर वाटरमेलन ज्यादा मीठी है तो शुगर डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और लेमन जूस डाल देंगे थोड़ा सा। लेमन जूस में भी विटामिन सी होता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा तैयार है और हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इसमें 92% वाटर प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो हम इसको छान लेंगे। इस तरह से हमने इसको पूरा छान लिए हैं। ये देखिए ये पूरा प्योर वाटरमेलन जूस है। अब हम सर्विंग ग्लास ले लिए हैं और इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे जूस। ऊपर से कुछ फ्रेश मिंट लीव्स भी डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको गर्मी में जरूर पीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।